लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदनवा गांव में भूमि विवाद को लेकर 7 राउंड गोलियां चली, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान साधु ताती के 40 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार एवं साधु ताती के 42 वर्षीय पुत्र संजय ताती के रूप में की गई है। मेरा भाई के मार रहा था पकड़ के, कुल मिल के हम गए, अब उसके बाद छूटा और उसके बाद इधर आने लगा, तरातर गोली चला दिया। कौन कौन थे? वो गोली चलाने वाला दूसरा था। कहाँ गया था? हाँ, वो गोली चलाने वाला मैं हम नहीं चिन पाए। गोली काहे चलाया? गोली क्यों चलाया? गोली हाँ बोली, वहाँ झगड़ा हो रहा था ना, भूमि भी बात था। हाँ, कौन सी का झगड़ा था? जमीन का झगड़ा था, उसी में हम रोक रहे थे, वो काम करने के शुरू इसी में दोनों में दिया हो गया, झगड़ा हो गया, जिसके बाद वो घर से गोली चलाने लगा। कितने लोग थे गोली चलाने में? गोली चलाने में 3 लोग था। क्या अंदर तुम गोली चलाई? सभी पास पिस्टल था क्या? नहीं सर, 2 के पास देखे। कितनी गोली चली होगी? 7 गोली चली। तो झगड़ा किसी से था पहले से क्या? नहीं, ये जमीन का विवाद, मैं 31 तारीख का नापी हुआ, मेरा जमीन निकल गया, हम रोकने के लिए तैयार है। सीओ साहब के कहें, सीओ साहब बोले कि रुका आते हैं थाना से, थाना प्रभारी रुका नहीं, थाना में चौकीदार पहुंचा, चौकीदार गरम गाड़ी कर दिया, चौकीदार तो मेरा संपत्ति है, मैं तो तैयार है। झंझट किससे हुआ था? बलेश्वर राम से, सुनील राम है, पिंकी कुमारी है, उमा देवी है, इसी से झगड़ा हुआ। क्या लग रहा है शंका इसी पर है क्या? शंका क्या, ये तो खुद से झगड़ा हुआ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा संजय तांत्री नाम है। लखीसराय जिले के रेलवे स्टेशन पर दानापुर डिवीजन के वरीय पदाधिकारी DRM प्रभात कुमार ने औचक निरीक्षण किया और कई निर्देश मौजूदा अधिकारियों को दिया। इस संबंध में दानापुर डिवीजन के वरीय पदाधिकारी DR प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लखीसराय जिले के रेलवे स्टेशन पर PCR ओवरलोडिंग पूछताछ डिमांड लोडिंग को बनाने तथा बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। इस दरमियान यह भी जानकारी दी गई कि 3 महीने के अंदर डिमांड लोडिंग पूछताछ काउंटर और PCR तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ जो फुटगन आते हैं उसके लिए भी जगह चाहिए, फुटगन फर्टिलाइजर की जगह चाहिए, जैसे हेडक्वार्टर है, हम ट्राई करते हैं इसको ड्राइव करने का। सर, सबसे बड़ी बात है कि यात्रियों का पूछताछ का जो काउंटर होता है वो काफी दिक्कत इस दिनों हो रही है, 1 महीने से बंद है, लास्ट टेंडर के बाद में उसको हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पाए थे, उसको 12 से ऐसा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं ड्राइव करने का। दूसरा, यहाँ पे जो आइलैंड प्लेटफॉर्म बने हुए हैं दोनों, आइलैंड प्लेटफॉर्म के नीचे सबवे से उसको हम लिंक कर देंगे, किसी कंस्ट्रक्शन है उस हमारे साथ, उन्होंने कहा कि आप टारगेट ही देंगे, टारगेट इनका आदित्य सैंक्शन प्लान है, वो तो सैंक्शन प्लान है, हम ट्राई करते हैं कि इस साल वो भी हम लोग सबवे से उसको लिंक करके इस तरफ भी सर्वेटिंग एरिया बुकिंग ऑफिस और इधर तो हैंगी ऑलरेडी, दोनों तरफ से अप्रोच रहेगा सिस्टम का लखीसराय सिस्टम। लेकिन एक बात यहाँ देखा जा रहा है कि सरकार से कदम मिला कर